बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लालू यादव की पार्टी ने छोटे दलों को खुश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिर्फ जातीय गोलबंदी के आधार पर टिकट पाने वाली इन पार्टियों का जनाधार लोकसभा चुनाव के स्टेचर को पूरा करने में नाकाफी साबित हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 5 सीटें मिली थी, जिनमें से 2 पर तो खुद उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव लड़ा, तो वहीं मोतिहारी की सीट पर राधा मोहन सिंह के आगे आरएलएसपी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह को टिकट दे दिया। आरएलएसपी का मुख्य आधार ओबीसी के तहत आने वाले कुशवाहा या कोयरी जाति के वोटर है, जिनका बिहार में 8% वोट बैंक है। कोयरी, कुर्मी और ईबीसी धानुक जाति को एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं, इस वोट बैंक पर काफी असर डालते हैं। महागठबंधन आरएसपी के द्वारा इन वोटों को साधने की फिराक में था, लेकिन एनडीए से निकलकर महागठबंधन में गलत समय पर शामिल होने के कुशवाहा के निर्णय से उनके जनाधार पर फर्क पड़ा है, जिसका खामियाजा उन्हें नतीजों में भुगतना पड़ेगा। वहीं कभी बीजेपी के साथ रहे सनक मल्ला यानी मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा है। सहनी का आधार सिर्फ मल्ला वोट है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जेडीयू ने भी लंबे समय तक सहनी वोट हासिल किए हैं। ऐसे में वीआईपी का खाता भी खुल जाए तो बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ जीतराम मांझी की हम पार्टी को भी महागठबंधन ने 3 सीटों पर लड़ाया, लेकिन उनका ये दाव भी उल्टा पड़ सकता है। मांझी के माध्यम से महागठबंधन दलित और ईबीसी वोटों को साधना चाहता था, लेकिन महागठबंधन का महादलित कार्ड भी फेल साबित होने जा रहा है। यानी जातीय गणित और नकारात्मक प्रचार के भरोसे बैठे महागठबंधन को बिहार में करारा जवाब मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।